हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको जो थर्ड चैप्टर से बेसिक बताया था, आज उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मींस आपको डिग्री मेजर दिए गए हैं, मींस आपको डिग्री मेजर्स दिए गए हैं और आपको उनका रेडियन फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको डिग्री दी जाती है और रेडियन मेजर करना होता है तो आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 की, ओके। और अगर आपको रेडियन में दिया जाता है तो आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई की। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिग्री में दिए गए हैं, चार पार्ट हैं इसके, आपको डिग्री में दिया गया है और आपको रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे 25 डिग्री है, आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ती है आपको पाई अपॉन 180 से। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको 5 से कैंसिल आउट कर दिया। देखो, 5 5 जा 25 5 3 जा 15 बच गए आपके 3 5 6 जा 30। तो क्या आंसर आ गया आपका? 5 पाई अपॉन 36, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार आता है। जैसे आपको दिया है -47 डिग्री 30 मिनट्स। अब देखो, यहाँ पे खाली डिग्री में नहीं दे रखा है आपको, यहाँ पे डिग्री में और मिनट में दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि वो जो 1 डिग्री होती है वो कितने किसके इक्वल होती है? 60 मिनट के। 1 डिग्री किसके इक्वल होती है? 60 मिनट के इक्वल होती है। तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन 60 डिग्री के। तो अब जैसे हम आपने सीख ही रखा है कन्वर्ट करना, तो हम इसने ये जो मिनट में है, सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। तो यानी अगर 1 मिनट में 1 अपॉन 60 डिग्री है तो 30 मिनट्स में कितने डिग्री हो जाएंगे आपके? 30 अपॉन 60 डिग्री। तो यहां पर हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। देखो, ये डिग्री को अलग छोड़ दिया, यहां पे इसको कर दिया आपने 30 अपॉन 60 डिग्री। अब ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, यहाँ पे क्या आ गया? अभी 3 1 जा 3 3 2 जा में 6 आ गया। तो 47 होल 1/2 ये कंप्लीट किस में आ गया आपका? डिग्री में। ये माइनस का साइन ऐसे ही चलता रहेगा एज इट इज, ओके बच्चों। अब ये देखो, इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 47 2 जा 94 प्लस 1 95 बाय 2। अब ये मेरा कंप्लीट डिग्री में आ चुका है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से मैंने क्या कर दिया? अब पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल कर दिया, काट गया 5 से काट दिया ऊपर नीचे, और यह हमारा आंसर कितना आ चुका है? माइनस का 19 पाई अपॉन में 72। अब थर्ड पार्ट है, ये इजी है आपका, कुछ नहीं करना है। 240 दे रखा है डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? बस मल्टीप्लाई सिंपल पाई अपॉन 180 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4π/3 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट आपका 520 डिग्री दे रखा है, इसमें भी सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना, 520 में सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन पाई अपॉन 180 की, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 26π/9। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर आपको अब की बार आपको रेडियन मेजर में दे रखा है और आपको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या था? डिग्री में दे रखा था, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब आपको रेडियन में दे रखा है और किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। और यहां पर अगर जब आप करोगे तो यहाँ पाई की वैल्यू किस में रखनी है? पाई इज इक्वल टू क्या रखना है आपको? 22 अपॉन में 7। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है आपका 11/16 रेडियन। कई बार आपको रेडियन में सिंपल ऐसे 11/16 लिखा होता है, कई बार क्वेश्चन में 11/16 और ऊपर से ऐसे सी का साइन भी लगा होगा। तो ये एक ही बात है, जब कुछ भी डिग्री का अगर साइन नहीं लगा तो ऑब्वियस है ये क्या है? रेडियन है, चाहे इस पे सी लगा है या नहीं लगा है। अगर डिग्री लगा है तो अलग बात है, अगर सिंपल दे रखा है तो ये रेडियन मान के चलेंगे। कई बार क्वेश्चन में सी लिखा देता है, कई बार नहीं देता है। तो आपको जैसे 11/16 हो गया, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करा? 180 अपॉन पाई। जब हमने रेडियन में करा था तो पाई अपॉन 180, अब डिग्री में करेंगे तो 180 अपॉन में पाई करेंगे। अब यहाँ पाई की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी रखनी है आपको? 22 अपॉन में 7 रखनी है। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, काट के अपने हिसाब से काट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मेरी तरह से काटते हैं। जैसे मैंने काटा 11 से इसको 2 टाइम्स काट दिया, फिर इसको काटा है मैंने 4 4 जा 16 और ये 4 से 180 गया 45 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर दी 45 7 जा 315 और 4 2 जा 8।
अब इसमें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं 315 को, ये 3 टाइम्स जाएगा, 8 3 जा 24, क्या बच गया हमारा 11 में से 4 गया 7 बच गया, ऊपर से उतरा हमने 5, तो 8 9 जा 72 हो गया, 5 बाय में से 2 माइनस करा, तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर आ जाओ 39 होल क्यूआरडी की फॉर्म में, क्यूआरडी की फॉर्म में सबको पता है ये क्या होता है, क्यूशेंट आर रिमाइंडर और डी ये क्या है 8 हमारा डिवाइजर, तो ये कंप्लीट आ गया हमारा, तो 39 होल 3/8 आ गया आपका क्यूआरडी की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे देखो जो ये कंप्लीट चला जाता है क्यूशेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये तो 39 डिग्री हो गया, अभी हम इसको या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको प्योर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मिनट और सेकंड में भी लिखेंगे, तो 39 डिग्री तो हमने कंप्लीट लिख लिया, ये डिग्री में आ गया। अब ये जो बाकी का बचा है 3/8 है, तो हमने पता है हमें 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे 3/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये अब हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इस 3 की मल्टीप्लाई मैंने 60 से कर दी, 180 आ गया, अपॉन में 8, इसको काट दिया मैंने, इसको देखो 4 से काट दिया, 4 2 जा और 180 कितने टाइम्स गया 45, तो 45/2 अब हमारा किस में आ गया, ये मिनट में। अब हमारा इसको फिर डिवाइड करा हमने, तो 45 को डिवाइड करेंगे तो वही क्यूआरडी की फॉर्म में आ गया, 22 तो क्यूशेंट आ जाएगा और 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, 2 हमारा डिवाइजर। अब देखो ये जो ये कंप्लीट चला गया, इसको फिर से बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 22 मिनट, अब हमारा क्या बच गया 1/2 मिनट अलग बच गया हमारा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, अब हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 60 सेकंड्स होता है, ठीक है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है, तो 1/2 में मल्टीप्लाई कर दी हमने 60 की, तो ये कितने टाइम्स चला गया 30 टाइम्स, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड्स। ओके बच्चों, अब आपका सेकंड पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -4 रेडियन आपको क्या दे रखा है बच्चों, -4 रेडियन है और आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रोसीजर किया था वही प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट करेंगे, ध्यान से फिर देखो, देखो 4 है इसमें मल्टीप्लाई मैंने किसकी कर दी, जब भी हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो किस में करते हैं 180 अपॉन पाई में, फिर हमने सेकंड स्टेप क्या हमारा पाई की जगह हमने क्या रख दिया 22 अपॉन में 7 रख दिया। अब इसमें अगर कुछ सिंप्लीफाई होता है कुछ कटता है तो वो काट देते हैं, जैसे इसको काट दिया मैंने 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 जा, अब ये हमारा इसमें 180 की 7 में मल्टीप्लाई करी मैंने 2520 आ गया अपॉन में 11, अब ये मेरा किस में कन्वर्ट हो चुका है कंप्लीट डिग्री में। मैं इसको अगर मैं फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहती हूं तो मैं इसको फिर सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो सबसे पहले 11 से मैंने डिवाइड करा, देखो यहाँ पे मैं करती हूँ 11 से डिवाइड किया मैंने 2520 को, तो क्या गया 11 2 जा 22 कैरी ये 3 रिमाइंडर आ गया 2, अब ये कितनी बार जाएगा फिर से 2 टाइम्स गया 11 2 जा 22 गया, ऊपर से उतारा मैंने 0 तो ये 11 9 जा 99, अब इसको फिर से मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया क्यूआरडी, 229 आपका क्यूशेंट आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया और 11 क्या आ गया आपका डिवाइजर, ये कंप्लीट हो गया मेरा डिग्री की फॉर्म में। तो जो ये पूरा क्यूशेंट होता है इसको तो मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ये माइनस एज इट इज चल रहा है इसमें नो चेंज, तो ये 229 तो मेरा बाहर आ गया, ये डिग्री में आ गया, अब मेरे पास बच गया 1/11, अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगी मल्टीप्लाई 60 करके, मिनट में चेंज कर दिया मैंने, इसमें मल्टीप्लाई 1/11 में मल्टीप्लाई 60 करी मिनट में चेंज हो गया। अब देखो ये 60/11 हो गया, मैंने फिर डिवाइड किया 11 से 60 कितने बार गया 11 5 जब 55 बच गया कितना रिमाइंडर 5, तो क्यूआरडी की फॉर्म में फिर से लिख लिया मैंने, तो ये 5 क्यूशेंट हो गया 5 रिमाइंडर हो गया 11 डिवाइजर हो गया, ये मिनट की फॉर्म में। अब ये जो मेरा क्यू गया इसको फिर से बाहर निकाल लिया हमने 5, अब ये किस में आ गया आपका मिनट में आ गया। अब मैं इसको ये 5/11 अब इसको मैंने दोबारा कन्वर्ट कर दिया, इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये मेरा 5 की मल्टीप्लाई 60 से करी तो 300/11 आ गया, और इसको मैंने डिवाइड करके लिख दिया अप्रॉक्स ये कितनी बार जा रहा है हमारा 27.2 जा रहा है, चाहे आपको 28 अप्रॉक्स नियरली लिखना है तो 28 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर ही छोड़ देंगे हमें, तो क्या आ जाएगा माइनस को 229 डिग्री 5 मिनट और 28 सेकंड। इसका थर्ड पार्ट है आपका, ये बहुत आसान है, 5 पाई अब 3 है आपका, इसको हमें
डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वही प्रोसीजर 180 अपॉन पाई। अब देखो इसमें तो पाई दे रखा है तो इसमें वैल्यूज रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पाई से पाई कट गया, 3 से 36 जाए 18, 0 कट गया तो क्या आ गया हमारा 300। फोर्थ पार्ट है आपका 7 पाई बाय 6, इस भी सिंपल 180 अपॉन पाई से पाई कट गया, 6 से 6 3 जाए 18 कट गया हमारा। अब ये 7 से 3 इसकी 30 की मल्टीप्लाई 210, ये आंसर आ गया कंप्लीट।